हेलो फ्रेंड्स, एके इन्फो की ऑनलाइन ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसेंबलिंग आईसी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फोन में जो है वो दो तरीके की आईसी यूज होती है। एक जो होती है वो बीजी होती है, बॉल आईसी जिसे हम कहते हैं, और एक जो होती है वो पीजी होती है जिसे पिन आईसी कहा जाता है। देखिए, अब इसके बहुत सारे प्रकार हैं जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो अभी ये किस तरीके से करना होता है, देखिए यहाँ पे ये जो पिन आईसी है, अगर किसी रीजन से ये खराब हो जाए तो हम इसे किस तरीके से रिप्लेसमेंट कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर लिखा हुआ है PMIC, तो ये किस तरीके से निकालनी होती है मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सारा हैंड स्किल है, आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, तो आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है। हमने अभी तक जो है आपको सिम ट्रे रिप्लेसमेंट बताया, मेमोरी ट्रे रिप्लेसमेंट बताया, उसके अलावा डिस्प्ले जैक रिप्लेसमेंट बताया, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हमने आपको बताया। तो मैंने ये भी बताया था कि मदरबोर्ड की एक मेल्टिंग पॉइंट होती है, जो कंपनियां यूज करती है PPD, वो 280 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर ये 280 डिग्री तक ये बोर्ड जो है वो पहुंच जाएगा तो हम कोई भी कंपोनेंट को आसानी से जो है वो हिला सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके एटमोसफेयर में क्या टेम्परेचर है, उस बेस पे आपको अपनी असेंबली में जो है ना वो ऑलमोस्ट जो है वो 280 डिग्री बनानी होती है, ठीक है। अब देखिए, हमारे एटमोसफेयर में ठंड है, इस हिसाब से जो है वो हम 350 पे रखेंगे, लेकिन अमूमन आप 300, 330, 340 या 350 या उससे ज्यादा भी रख सकते हो अगर आपके यहाँ पे ठंड ज्यादा है, ठीक है। तो किस तरीके से करना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे पेस्ट लगा लेंगे, देखिए अभी हिट करनी है, उसके बाद आपको कहाँ पे ये साइड वाले जो चीजें है ना इस पर ध्यान देना है कि ये मेल्ट हो रहा है या नहीं। इस तरीके से ट्वीजर से स्क्रैच करते हुए रखना है, क्योंकि अगर ये मेल्ट होगा तो हम आसानी से इस तरीके से ग्रिप करके जो उठा लेंगे। देखिए यहाँ पे शाइन आ जाएगा, अभी देखिए कंपोनेंट हिल गया, तो मतलब आईसी जो है वो हमारी लूज हो चुकी है, हम इसे भी उठा लेंगे। तो इस तरीके से आप आसानी से जो है वो आईसी को निकाल सकते हो। सेम टू सेम जो है वो हम पिन आईसी को भी निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको। तो देखिए अभी जो है हमने यहाँ पे पेस्ट लगा लिया, ठीक है। अभी से जो है वो हिट करेंगे, अमूमन बीजी आईसी के मुकाबले में पीजी आईसी जो है वो रिमूव करना आसान होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हीट अच्छा खासा बन जाएगा तो हम इसे रिमूव कर लेंगे। देखिए इस तरीके से जो वो आसानी से आईसी को आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईसी रिवॉल्व किस तरीके से करते हैं, उसके अलावा फिटिंग किस तरीके से करते हैं, रिप्लेसमेंट किस तरीके से करते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि अब आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से किस कंडीशन में आईसी को निकाला जाता है, कैसे ग्रिप किया जाता है। उसके अलावा अगर आप बड़ी आईसी निकालना चाहते हो तो आपको इस तरीके का ओपनर यूज करना होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा बड़ी आईसी को रिमूव करके। तो देखिए अभी हमने जो है वो बोर्ड को पलट लिया है, और अब मैं इसमें आपको जो है ना EMMC किस तरीके से निकालते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। देखिए इसमें सैमसंग की EMMC लगी हुई है, टेम्परेचर हमें वही रखना है, ठीक है, 350 के आसपास, और पेस्ट लगा लेंगे। अच्छी खासी पेस्ट अगर आप यूज करोगे, अच्छी क्वालिटी का यूज करोगे, तो आप काफी आसानी से जो है वो रिमूव कर लोगे। देखिए अब यहाँ पे हमने किया, अभी हमें ये साइड कॉर्नर पे हिट करनी है, ठीक है। एक जगह पे कभी भी आपको हिट नहीं करना है, क्योंकि अगर एक जगह पे आप हिट करोगे तो आईसी जो है वो खराब हो जाएगी।
और इस तरीके से हिट करनी है कि आपकी हिटिंग जो है वो आईसी के इनसाइड मतलब यहाँ पे गैप होते देखिए, तो इन गैप्स के अंदर जाएगी तो आपकी बॉल जो है वो डैमेज हो जाएगी और उसके बाद आसानी से जो वो ओपन हो जाएगा। उस तरीके का ओपनर भी यूज करना होता है आपको, देखिए ज्यादा अंदर नहीं डालना है नहीं तो प्लिंट उखड़ जाएगी, ठीक है। और जब भी आप इस तरीके से हिट कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो पीसीबी है वो बिल्कुल ना हिले, क्योंकि अगर पीसीबी हिल जाती है तो आपका काम जो है वो बढ़ जाएगा, आपको कहीं ना कहीं सीपीयू भी जो है वो रिवॉल्व करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से आप जो आसानी से ऐसे गैप बनाए देखिए, और ज्यादा प्रेशर तो बिल्कुल नहीं लगाना है, पेशेंस रखनी है, क्योंकि अगर आप ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो बॉल डैमेज हो जाएगी और फिर हमें माइक्रो जंपर करना पड़ेगा, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि आपका बोर्ड जो है वो बिल्कुल ना हिले। आप चाहो तो ट्वीजर के थ्रू भी आसानी से रिमूव कर सकते हो, देखिए इस तरीके से ट्वीजर के थ्रू आपको पकड़नी है आईसी को, ऐसे भी आप कर सकते हो, ओपनर के थ्रू भी कर सकते हो, इसे जो है वो आईसी ओपनर कहते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू भी आप आसानी से कर सकते हो, मैं आपको इसी के थ्रू बताता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप जो आसानी से रिमूव कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको प्रिंट जो है वो डैमेज दिख रहा होगा, तो कोई नहीं, ये एनसी पॉइंट होते हैं, ये एनसी प्रिंट होती है जो कि निकल ही जाती है अमूमन, तो इसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब मैं आपको डेटा शीट बताऊंगा इस आईसी की तो मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे पॉइंट जो होते हैं वो एनसी होते हैं, और अगर कुछ पॉइंट्स निकल भी जाते से तो आप उसे माइक्रो जम्पर कर सकते हो, वो सारी चीजें मैं आपको वीडियोज में बताऊंगा। तो किस तरीके से बीजी आईसी निकालनी होती है या पीजी आईसी निकालनी होती है अब आप समझ चुके होंगे, ठीक है। कितना टेम्परेचर रखना होता है, किस तरीके से काम करना होता है, वो मैंने आपको पूरा बताया कि क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है, तो अब आप किसी भी आईसी को आसानी से जो है वो निकाल सकते हो, ठीक है। थैंक यू।